एक मिनट सुनिए मेरी बात। गोविंद ने वो काम किया है जैसे कि लड़की भाग जाती है, इस तरह हम लोगों की नजरों से उतर चुका है। नमस्कार, मैं हूं सलमान कुरैशी, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। इस वक्त हम मौजूद है सुरगी विधानसभा क्षेत्र के राहतगढ़ में। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा में उपचुनाव होना है, वही सुरगी विधानसभा सबसे हाई प्रोफाइल सीट। सुरगी विधानसभा, जानते हैं इन लोगों से क्या है इनका रुझान। क्या नाम है आप, क्या काम करते हैं? सुरगी विधानसभा में उपचुनाव आ रहे हैं, किसका क्या माहौल है? क्यों काम अच्छा करवाती है, विकास किए? हाँ थोड़ा किए। आपके मोहल्ले में इतनी गंदगी है, नाली है, और आप कह रहे हैं विकास की? अरे जहाँ नहीं किए वो जगह पे किए। क्यों नहीं किए? जहाँ कोई करवाने वाला नहीं है। आपका कहना, क्या काम करते हैं? अच्छा, और उन्होंने मतलब विकास नहीं किया, बोल रहे हैं विकास भी नहीं करे। फिर किन मुद्दों पे आप उनको वोट करने की बात कर रहे हैं, समर्थन करने की बात? जब विकास नहीं किए तो फिर आपको पता है उन्होंने विकास नहीं किए, आप क्या उम्मीद है कि वो विकास करेंगे? विकास करेंगे ना, है उम्मीद, उम्मीद रखते ना। आपको क्या काम कर रहे सामने वाले आया, सूर्य की विधानसभा में उपचुनाव आ रहा है, क्या माहौल समझ में आ रहा है? आप किसका समर्थन करते हैं? सुरखी से एक आवाज आ रही है, सुरखी विधानसभा से 2013 में विधायक रही पारुल साहू, वे 5 साल गायब रही। लोगों का कहना है उन्होंने मतलब विकास नहीं किया और गायब रही। आपका क्या कहना है? कुछ उनके आदमी ने काम अच्छा किया। क्या अच्छा काम? अच्छा काम किया, उन्होंने काम भी बढ़ करा आगे और आगे भी। आपके मोहल्ले की स्थिति इतनी गड़बड़ है? मोहल्ले की स्थिति गड़बड़ है, उन्होंने किसने काम किए, हो सकता है सुधारेगी आपकी। 2018 में मंत्री रहे गोविंद, फिर भी यहाँ की कंडीशन इतनी गंभीर बनी हुई है कि नाली और मतलब पूरी समस्या आप देख सकते हैं कितनी गंदगी। काम तो उसने कराया लेकिन काम जहाँ हुआ नहीं। इधर की क्या वजह रही जो विकास नहीं हुआ? आदमी काम के लिए होना चाहिए, पार्षद काम के लिए, पार्षद भी कुछ हुआ ही सब। हाँ, क्या नाम है आप? हमारा शाहीन चक्की वाली है। कैसा चल रहा है चक्की का? बिल्कुल डाउन चल रहा है, जब से मोदी ने बर्बाद सभी को किया है जी ने। बिल मिल कैसे आ रहा है? बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। और सुनिए मोदी, एक मिनट सुनिए मेरी बात। गोविंद ने वो काम किया है जैसे कि लड़की भाग जाती है, इस तरह हम लोगों की नजरों से उतर चुका है। और रहा का रहा उसकी हंडी में छेद करके गया, और मकान घर सभी मिटवाने के लिए आदमी भेज दिए। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले कमलनाथ सरकार थी, हाँ, और आज शिवराज सरकार है, हाँ, फिर पहले ज्यादा आता था कि अब ज्यादा आ रहा है, वो बता। वो कमलनाथ शिवराज के जमाने में से बहुत ज्यादा आ रहा है। अभी शिवराज सरकार रही तो अभी ज्यादा आ रहा है, अभी ज्यादा आ रहा है। जब कमलनाथ जी की सरकार वो सही चल रहा था जब तक कमलनाथ जी रहे। अच्छा, मौजूद है इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका, क्या काम कर? कितना दिन में आप कमा लेते हैं? 100-200 रुपए। सुरखी विधानसभा में उपचुनाव आ गए, किसका क्या माहौल समझ में आ रहा है? या अभी तो कुछ नहीं कह सकते यार, अभी तो जब चुनाव हो जाएगा जब ही पता चलेगा किसका क्या। अच्छा, 2013 में पारुल साहू भी विधायक रहे, 2018 में मंत्री रहे गोविंद सिंह राजपूत, उसके बाद मैं खुद देख रहा हूँ गंदगी पड़ी है। तो विकास के मामले में पीछे क्यों रहा आपका क्षेत्र? नहीं, हम भी आपसे यही कह रहे हैं, क्यों रहा क्षेत्र आपका? आप तो खुद देख रहे हैं, तो क्यों पीछे रहा? आप खुद आते हैं ना इधर पे, घूमने भी आते हैं, आप मीडिया लेके भी आते हैं,
तो विकास के मामले में क्षेत्र पीछे पीछे क्यों है? कोई है ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं, जैसे डले हो डले रहा। कोई जनप्रतिनिधि आपसे समस्या नहीं है? टाइम झाड़ू नहीं लगती, कोई समस्या तो झाड़ू नहीं लगती, हमें खुद लगाना पड़ता है। देख रहा हो नाली, ये अभी रोड खोदा था मुझे मस्जिद के सामने, ये नालियों में मुझे ढेर लगा। तो इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार को कहा, उस जिम्मेदार कुछ नहीं करता। सूर्य की विधानसभा में उपचुनाव आ गए, किसकी पोजीशन अच्छी समझ रहे? लग रही है पोजीशन अच्छी, आप किसका समर्थन? देखते हैं किसका अच्छा लगता है और उसका ही करेंगे। राहुल साहब को तो आपने दोनों के विकास कार्य देखे हैं, अभी परिवहन मंत्री भी आपके क्षेत्र के मंत्री रहे, 2013 में पारुल साहू भी आपके क्षेत्र की विधायक रही, तो इन दोनों में से आपके विकास कार्य करने में ज्यादा आपको अच्छा कौन लगा? पारुल साहू अच्छी रही। सुर्खी से तो एक आवाज आ रही है कि 5 साल वो विधायक रही और गायब रही, विकास नहीं की। ये लोगों का कहना है पारुल साहू अच्छी लग रही है, 5 साल वो विधायक रही, उन्होंने विकास किए थे, ये तो है, लेकिन दिखते नहीं है जो किए हैं। किए हैं लेकिन विकास किए, ये है विकास। क्या काम कर धंधा पानी करते, मजदूरी करते, किसका क्या माहौल? माहौल तो अभी पारुल साहू का चल रहा है, जनता का मन भी बना है और पारुल साहू का 90% अंदाज है कि गोविंद सिंह राजपूत ने थोड़ा बुरा किया। क्या बुरा किया? ये बुरा किया है कि जनता को बेच और आपने पार्टी लेवल बदलती देती है, जनता का मन खराब है। नहीं विकास के लिए नहीं, जनता को बेचा है तो जनता को सबक सिखाएगी। बाबू साहू का इस वक्त पे काम अच्छा चल रहा है और वे अपना विकास कराएंगी और काम होगा। एक आवाज आ रही है कि वो 5 साल गायब रहे, फिर उन्होंने क्या विकास किया? अब उनका सत्ता नहीं था इसलिए भी नहीं करा पाए। तो 5 साल गायब ही रही, जनता के बीच में नहीं आई। आप कराएंगी काम, होगा काम, ऐसा नहीं है, जनता के बीच में आएगी वो काम भी होगा। क्या विश्वास है आप? हाँ, हमें विश्वास है पूरा पूरा, और जीतेंगी और मतलब तमाम लोगों का मन लगा है गोविंद सिंह इस वक्त पार्टी पूरा। गोविंद सिंह राजपूत कहते हैं कि हम जनसेवक हैं। नहीं, वो गलत है, जनसेवक है तो उन्होंने मतलब जनता का मत बेचा, इसलिए कि जनता का मन खराब है। 25 साल पुराना सुर्खी से उनका रिश्ता है, उनका कहना है अच्छा रिश्ता था, लेकिन उन्होंने इस साल में अपना बिगाड़ बिगाड़ पार्टी बदलने से मतलब उनका पार्टी बदलने से ही मन खराब हो गया जनता का। क्या काम कर रहे हैं? चाय की और पान की दुकान है। लगभग दिन में कितने रुपये कमाते? विधानसभा में उपचुनाव है, किसका पटला भारी लग रहा है? पारुल साहू का पटला भारी लग रहा है, क्योंकि उन्होंने विकास किया। विधानसभा से एक आवाज आ रही है पारुल साहू की, 2013 में जीत के गई थी तो पता ही नहीं था, गायब हो गई थी, लोगों का कहना है। क्यों गायब हो गई थी? गांव गांव जाती थी वे, राहतगढ़ में जनपद के सामने जन सुनवाई केंद्र खोल दिया था उन्होंने, हर शनिवार को 11 बजे सुनवाई करती थी, जो गरीब है परेशान है, जो समस्या उनकी समस्याएं सुनती थी वे। विकास को हमारे बनेंगी घाट पे डैम बने हुए हैं, बड़ा पुल बना हुआ है, सिंदूरा का पुल बना हुआ है, और जो गुर्जर डैम का आज काम लगा वो यूनी की देर से काम लगा हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के 15 साल की आपने देखी है, 15 महीने की कमलनाथ सरकार की देखी, इन दोनों में से आप किसका काम आपको अच्छा? कमलनाथ सरकार का काम अच्छा लगा? ऐसा किया उन्होंने मतलब योजनाओं का लाभ पहुँचाया है जो आपको अच्छी लगा? लाली लक्ष्मी योजना 51,000 बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता, 100 रुपए यूनिट बिजली, हर गरीब के लाख समस्या का समाधान, गरीबों के लाख क्या क्या योजनाएं लाए थे वो लागू की थी उन्होंने, बीजेपी वालों ने सब बंद कर दी। जैसे कि भाजपा के लोग नेता कांग्रेस में जा रहे हैं, कांग्रेस से भाजपा में जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? और उसके बाद पहुंचने के बाद कहते हैं विकास के लिए निर्णय लिया गया, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, विकास के लिए अगर निर्णय लिया होता तो 35 करोड़ रुपए नहीं लेते गोविंद सिंह जी, ठीक है? क्या
क्या नाम है क्या काम कर रहा है सुल्की विधानसभा में उपचुनाव है उपचुनाव पूरी जीत रहे हैं कौन जीत रहा है पांच साहू जीते क्या उन्होंने विकास किया पारुल साहू ने विकास किया है क्षेत्र में पहले विकास किया था पांच साल नहीं सुर्खी में आवाज आ रही है पारुल साहू लगभग पांच साल गायब रहे ऐसा कुछ नहीं है लोग बोल रहे हैं उन्होंने विकास नहीं किया विकास किया जितना उनका बस हाथ है सुनने किया लोगों का कहना पांच साल गायब रही पारुल साहू पारुल साहू जी राजगढ़ में कोई दो विकास कार्य बताएं क्या विकास किया काम लगा है काम है पारुल साहू के समय नहीं सुर्खी से एक आवाज आ रही है पांच साल वो विधायक रही उसके बाद उन्होंने विकास नहीं किए वो गायब रहे ऐसे कैसे गायब रही लगा उन्होंने काम राजगढ़ में ऐसे कोई काम बता जो राजगढ़ में उनका काम है करवाने के नाम सब काम करवाए करवाए आपका क्या नाम मेरा नाम है आसिफ खान क्या काम कर मेरी सैंडल की दुकान है और मैं कम से कम 20-25 गांव पारुल साहू विधानसभा से एक आवाज आ रही है पारुल साहू पाँच साल विधायक रहे उसके बाद वो गायब रहे आपका क्या कहना ये उन लोगों का कहना है पहले जो पार्टी वो राजगढ़ में पाँच साल रही पाँच साल में कम से कम 300 बार राजगढ़ आए हर मंगलवार को शिकायत सुनने आती है कहाँ पर क्या काम करते सुर्खी में उपचुनाव आ गए किसका क्या माहौल समझिए विकास किए पहले विधायक रही 2000 के विकास करें।